नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कापट। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज के जो ब्लॉग होने वाला है, एक धार्मिक ब्लॉग होने वाला है जो दो या तीन पार्ट में पूरा होगा। और इधर देख सकते हैं आप लोग, गौरी गणेश जी का पूजा हो रहा है। इसके बाद हम लोग जाएंगे और काफ़ी बड़ा ग्रुप गया है वहाँ पे, वहाँ से जल उठाएंगे और फिर लेके आना है। कलश यात्रा है और कल जो अष्टपहरी कार्यक्रम है पूजा पाठ का, वो शुरू होने वाला है। दोस्तों, अष्टपहरी के बारे में पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आठ पहर तक, यानी कि जैसे अभी शुरू कर रहे हैं तो कल इतना बजे तक श्री राम जी का और कृष्ण जी का नाम लेना होता है। एक सेकेंड भी बंद नहीं कर सकते आप लोग, जो नाम का जो जाप होता है वो। जैसे अलग अलग ग्रुप होते हैं, वो ग्रुप कुछ देर तक श्री राम कृष्ण जी का नाम लेते हैं, फिर वो चलते ही रहता है, फिर दूसरे ग्रुप लोग उसमें शामिल हो जाते हैं। खैर, ये चीज़ आप लोगों को दूसरे पार्ट में देखने को मिलेगा। आज ये कलश यात्रा वाला कार्यक्रम आप लोग देखेंगे दोस्तों। यहाँ सती घाट के पास आए हुए हैं दोस्तों, हम लोग यहाँ से जल उठाना है। चलिए, खैर मैं सब कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी पूजा पाठ होगा दोस्तों, फिर यहाँ से जल उठाएंगे। देखिए, जल उठा लिया गया है दोस्तों, अब यहाँ से पैदल चलना है ये कलश लेके, लगभग 3-3.5 किलोमीटर या फिर थोड़ा उससे ज्यादा। इधर सत्या भाई से मिले दोस्तों आप लोग। जय श्री राम। आज के इस धार्मिक कार्यक्रम में सत्या भाई भी शामिल है।
सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी लगाया गया है दोस्तों, और इसके लिए मैं कोतवा पुलिस चौकी को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुरक्षा का खासा ध्यान रखा है। मम्मी भी कलर्स पकड़ी हुई हैं, देखिए। प्यारे मम्मी, मेन बस्ती में भी हम लोग हैं दोस्तों। यहाँ पे जय मेडिकल स्टोर है।
मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम वंदे मातरम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री नारायण जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री नारायण जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम युगो युग गाता है जय नाम जय श्री राम जय श्री राम युगो युग गाता है जय नाम जय श्री राम जय श्री राम जय शिवाजी जय भवानी जय शिवाजी जय भवानी जय भवानी जय कोतबा मेन बस्ती से हम लोग पार हो चुके हैं दोस्तों, लेकिन ये पूरा एरिया कोतबा में ही आता है। जो मेन बस्ती से पार हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर लाइट्स थोड़े कम हैं तो वीडियो थोड़ा कम अच्छा आ रहा है, लेकिन धार्मिक भावना से आप लोग देख रहे हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। अभी लगभग 2 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही बचा हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो गांधी चौक है उसके अंदर 1 किलोमीटर और जाना होता है। यहाँ से 3 किलोमीटर और होगा यहाँ से। ट्रैफिक लग गया है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहे हैं फिर ये क्लियर हो जाएगा। ये पचरंगा झंडा को यहाँ पर गाड़ेंगे दोस्तों। ये हमारे गांव का एंट्रेंस है। भगवान जी सबको हमेशा सुरक्षित रखें दोस्तों। बहुत गए हैं दोस्तों।
इधर में खाने पीने का व्यवस्था किया गया है दोस्तों। जब तक यहाँ पर पूजा कार्यक्रम होगा तब तक सभी भक्तजनों को यहाँ पर खाने पीने का सभी के लिए व्यवस्था है। पूजा की तैयारी हो रही है दोस्तों, पूजा के बाद खाना पीना होगा। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों अष्टपहरी धार्मिक ब्लॉग का भाग एक, जिसमें आप लोगों ने कलश यात्रा देखा, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए भाग दो लेकर आऊँगा। तो अपना ख्याल रखें, ये वीडियो एंड करने का समय हो चुका है, लेकिन बहुत ही जल्द मिलूँगा मैं आपसे। नमस्कार, जय श्री कृष्णा।